हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर स्टार्टेड फ्रेजल वर्ब। और आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। और सबसे पहले यह है फ्रेजल वर्ब का पार्ट 10। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। बियर का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना, किसी भी चीज़ को जो है वो, या अत्याचार को जो है सहन करना। तो पहली जो अपनी फ्रेजल वर्ब है वो है बियर विद, धैर्य रखना, टू हैव पेशेंस और एंड्योर ए डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ बियर विद अस, हेल्प वी रिजोल्व द टेक्निकल इश्यू। तो बियर विद मतलब धैर्य रखना, किसी भी सिचुएशन के साथ में धैर्य रखना। नेक्स्ट इज बियर अप, पेश आना, मीनिंग इसका टू कोप विद और विद स्टैंड ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और हार्डशिप। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द लॉस द ही मैनेज्ड टू बियर अप एंड कंटिन्यू विद हिज वर्क। नेक्स्ट इज बियर डाउन, काबू पाना, मीनिंग है इसका टू एक्सर्ट प्रेशर और फोर्स ऑफन इन द डिटरमाइंड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, द अपोजिशन टीम इज बियरिंग डाउन और on our goal we needed to define it. Bear out, पुष्टि करना, the to confirm or support the truth or validity of the statement or claim. For example, the evidence provided will bear out his version of the events. Next is bear away, यानी मतलब जीतना, to win or achieve victory in a कंपटीशन और रेस। फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट मैनेज टू बियर अवे द गोल्ड मेडल इन दैट 100 मीटर स्प्रिंट। नेक्स्ट इज बियर ऑफ, सहन करो, यानी कि टू स्टीयर और मूव ए व्हीकल और ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर डायरेक्शन और ऑब्स्टेकल। द कैप्टन हेड ऑफ बियर ऑफ टू अवॉइड कोलाइडिंग विद द रॉक्स। नेक्स्ट इज बियर अप अंडर, दबाव झेलना, टू विदस्टैंड और एंड्योर ए हैवी लोड और प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिज हैज टू बियर अप अंडर द वेट ऑफ हैवी ट्रैफिक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बियर डाउन ऑन, धैर्य रखें, टू अप्रोच समथिंग और समवन क्विकली विद फोर्स। नेक्स्ट इज बियर अपॉन, इस पर सहन करें, टू हैव एन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक फैक्टर्स विल बी बियर अपॉन द कंपनी डिसीजन टू एक्सपेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, फ्रेजल वर्ब ट्यूटोरियल।